वेलकम बैक दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब हेल्दी और सेफ हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि अब कमेंट्स आ रहे हैं और लाइक्स आ रहे हैं वीडियोस पे, तो उसके लिए थैंक्स। और आप ऐसे ही इन वीडियो से सीखते जाइए और वीडियोस पे लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इनको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं और वीडियोस ले लेके आता रहूँगा और हम पाइथन अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और सिर्फ पाइथन ही, आगे आने वाले टाइम में मैं और भी लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाऊँगा जिससे आप सीख सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये दिखाया था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। और जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आज भी बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी अभी प्रैक्टिस कर ली जाए और अपने कॉन्सेप्ट्स अभी ठीक कर लिए जाएँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेटर होते जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और सीखें। दोस्तों देखो, आपको हर समय हर चीज़ याद नहीं रखनी, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गए, तो आपको पता होगा कि वो उससे जो हम कोड लिख रहे हैं उससे होता क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय हर चीज़ ही याद रखनी है। आपको उस कॉन्सेप्ट समझना है कि जो हम लिख रहे हैं उससे होता क्या है। क्योंकि दोस्तों, आप गूगल करोगे ना तो आपको कोड तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो अब इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। जो हमने पहला चैलेंज किया था वेरिएबल्स और टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स के लिए, उसमें हमने एक वियर्ड स्टोरी बनाई थी। उस वियर्ड स्टोरी में हमने टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स की प्रैक्टिस की थी और हमने एक कहानी लिखी थी जो कि वियर्ड थी, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं था। आज हम एक भूतों की कहानी लिखने वाले हैं, हॉरर स्टोरी। अब आप बोलोगे, भाई रात के टाइम क्या बातें कर रहा है, भूतों की बातें मत करो, हमें डर लगता है। तो दोस्तों, ये कोई आपको डराने के लिए मैं नहीं कह रहा, ये हम सिर्फ पाइथन की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप हॉरर मूवीज़ देखते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर आप नहीं भी देखते तो इसको एज अ पाइथन चैलेंज लो, ठीक है, पर करो ज़रूर, इसको अटेम्प्ट ज़रूर करो। तो अब इस चैलेंज में करना क्या है, जैसा हमने वियर्ड स्टोरी में एक वियर्ड स्टोरी लिखी थी, हम इसमें एक हॉरर स्टोरी लिखेंगे, पर यह हॉरर स्टोरी मीनिंगफुल होगी, इसका सर पैर होगा, तो ये इसकी सेंस बननी चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि चलो आप हमें दिखाओ कि कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल क्या करना है। पर उससे पहले, क्योंकि ये हॉरर स्टोरी है तो हमें हॉरर के कुछ वर्ड्स चाहिए, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं इसमें गूगल में जाके यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँगा हॉरर वर्ड्स। ये ले लेते हैं दोस्तों, इसमें 100 स्केरी वर्ड्स लिखा हुआ है। और देखोगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है 100 वर्ड्स की। हमारे पास लिस्ट आ गई वर्ड्स की, पर अभी हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक फाइल बनाई है चैलेंज2.py के नाम से, ठीक
क्योंकि ये चैलेंज नंबर 2 है और मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक छोटी सी कहानी लिख दी। अब आप सोचोगे यार इसने तो कहानी ऑलरेडी लिख दी तो ये हमें सिखा क्या रहा है। ये जो मैंने कहानी लिखी है ना दोस्तों, ये एक्चुअल में वो कहानी नहीं है जो हम लिख रहे हैं। ये सिर्फ मैंने कुछ इसलिए लिखा है ताकि जो इसके अंदर वर्ड्स हैं, जो हमने उस वेबसाइट पर भी वर्ड्स देखे थे, जैसे स्पूकी होगा मैंने कल स्पूकी या स्पूकी ऐसी स्पाइन चिलिंग क्रीपी स्केरी स्पूकी ईवल डिमोनिक घोस्ट लाइक ऑपरेशन लोंदी। तो मैंने एक ये छोटा सा कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है जो कि ऑब्वियसली एक हॉरर स्टोरी टाइप ही है एक स्ट्रिंग के अंदर, और इसमें मैंने वो वर्ड्स यूज़ कर लिए जो अभी हम लोग देख रहे थे। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि मैंने ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स यूज़ करके सारी लाइन्स को नई नई लाइन्स में डाल दिया। दूसरी चीज़ मैंने ये की है कि मैंने इसकी लेंथ प्रिंट की है क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर किया था। मैंने लेंथ फंक्शन यूज़ करके इसकी लेंथ प्रिंट कर ली है 429 कैरेक्टर्स है। अब हमें एक्चुअल चैलेंज करना है। अब वो एक्चुअल चैलेंज क्या होगा? तो दोस्तों अब हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है, हमें इसको स्टोर नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करना है। पर इसमें ना हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करनी है। अब आप बोलोगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करनी कैसे? तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा str। अब अगर आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एक स्ट्रिंग में इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें समझाई थी, एक एक लाइन का मतलब समझाया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को उठाइए, उसको देखिए ये चैलेंज अटैम्प्ट करने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चैप्टर है, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है पाथम का। तो आप उसको ज़रूर देखिए और फिर इस चैलेंज को अटैम्प्ट कीजिए। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के नाम से आपको वो प्लेलिस्ट और चैनल में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था उस वीडियो में कि स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो अब आप बताइए कि i जो है ये कौन से इंडेक्स पे होगा? मैंने शुरू में एक स्पेस दिया है, तो अगर स्पेस 0 था तो i क्या हुआ? 1। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 1। अब मैं इसमें थोड़ी सी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम गोइंग टू टेल यू अ हॉरर स्टोरी टुडे। I have R today.
have not told this story to anyone because it is very, अब जो अगला वर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो है स्पूकी. तो अब अगर आपने स्ट्रिंग साइथिंग की वीडियो से सीखा तो आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं. दोस्तों हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं जिससे हमें पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाता है. तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ जाता हूँ, सॉरी यहाँ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ हमें ज़ीरो से नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ज़ीरो के आसपास है लेकिन ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है. तो ये मेरे ख्याल सेवन से शुरू करते हैं, देखते हैं. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे है पर हम सिर्फ गैस कर रहे हैं अभी. वॉज अ वेरी, तो इसने ए से ले लिया, यहाँ से आ गया जबकि मैंने यहाँ से चाहिए था. तो हम इसको नाइन कर देते हैं, नाइन, और इसको कर देते हैं 14 और एक्चुअली 15. वेरी स्पूकी. तो दोस्तों आपने देखा अभी तक मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करके दो वर्ड्स तो ले लिए ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में से. मैंने कि आई लिया, तो मैंने स्पूकी लिया. मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लेता हूँ, recently and I was इसका अगला वर्ड लेते हैं ये lonely. I was या चौबीस से 30 अब वो तो ये अभी यहीं पर है. मैं इसको 67 करते हैं. I was lonely. And it was I saw them I saw अब अगला वर्ड जो मैं लेना चाहता हूँ वो ये है, कोसाइक एपरेशन. दो वर्ड्स हैं,
पर मैं इसके लिए नॉर्मल स्लाइसिंग ना यूज़ करके नेगेटिव स्लाइसिंग यूज़ करूँगा। तो अगर मैं नेगेटिव स्लाइसिंग यूज़ करता हूँ तो से कि फोर्टी से माइनस 30 एक्चुअली इसको भी पहले खाली छोड़ दें। सो ST लाइक चलो क्लोज पहुंच चुके हैं तो हम इसको कर देते हैं 45। मैंने 100 43 100 कोस लाइक अपरेशन शाबाश। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे अपर बाउंड कुछ भी नहीं दिया है तो वो एंड तक प्रिंट कर रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्लाइस कर रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। तो मैं उसको लिमिट कर दूंगा, लेट्स से 35 पे। 35 कम हो गया तो 28, 25, 24, 23। तो मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। आप देखो ये तो सिर्फ लेंथ प्रिंट कर रहा है जो यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करके और अलग अलग तरीके की स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने यूज़ की है, सिंगल कैरेक्टर वाली जो यहाँ पर है, आई नॉट टोल्ड दिस स्टोरी टू एनीवन बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पूकी स्टोरी। यहाँ पे एक स्पेस आएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पूकी स्टोरी। आई वेंट टू अ मेंटल असाइलम रिसेंटली एंड आई वॉज लोनली इन अ रूम एंड आई सॉ अ घोस्ट लाइक अपैरिशन। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में से स्ट्रिंग साइज करके एक कुछ और ही बना दिया उसको। तो अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें मैंने आपको बताया था कि हो सकता है वो जब यूज़र इनपुट्स हम देते हैं तो वो यूज़र से भी आता है, स्ट्रिंग जो इनपुट होता है यूज़र का वो हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर होता है। तो हो सकता है ये ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट आपको किसी यूज़र ने बताया पर आपको उसको अपनी स्टोरी बनानी है। तो इस तरीके से मैंने पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी सिर्फ स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करके और सेम वर्ड्स लेके, मैंने उन वर्ड्स को फिर से नहीं लिखा। तो चैलेंज यही है दोस्तों कि जो वर्ड्स अभी हमने उस वेबसाइट पे देखे थे उसमें से कुछ मैंने इसमें यूज़ किए कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको रीराइट नहीं करने। तो ये ऊपर वाले में जो लिखे हुए हैं वर्ड्स वो आपको यहाँ पे रीराइट नहीं करने, आपको उसको स्ट्रिंग को स्लाइस करके यूज़ करना है। दोस्तों आपकी स्टोरी जितनी लंबी होगी यहाँ पे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की प्रैक्टिस होगी। वो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ की है, मैंने नेगेटिव भी की है, मैंने नॉर्मल भी की है और मैंने एक कैरेक्टर वाली भी की। आप जितने डिफरेंट टाइप्स की यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस एक्सरसाइज को प्लीज़ अटैम्प्ट करिए ताकि आप सीख सकें
और दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में डालिए अपनी स्टोरी, और मुझे बताइए कि इससे आप सीख रहे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। साथ ही इनको शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।